मधेपुरा पुलिस को फिर एक कामयाबी मिली है। मधेपुरा पुलिस ने कुख्यात अपराधी सहित 3 अपराध कर्मियों को 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9mm की 9 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह गिरफ्तारी मधेपुरा टाउन थाना की पुलिस और कमांडो टीम ने सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की क्यादत में मठाही ओपी क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 से की है। बताया जाता है कि पुलिस गिरफ्त में आए सभी अपराधी किसी बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते ही मधेपुरा पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने फौरन इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए 3 अपराध कर्मियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर उनके मनसूबे को नाकाम कर दिया। गिरफ्तार होने वाले अपराध कर्मियों में मठाही ओपी क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 निवासी कुख्यात और सजा याफ्ता अपराधी पुंजीत यादव उर्फ इंद्रजीत कुमार पिता स्वर्गीय उमेश यादव, दूसरा मठाही ओपी क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 निवासी सोनू कुमार पिता विष्णुदेव यादव और तीसरा सहरसा जिला के बनगांव थाना क्षेत्र के बड़ियाही बस्ती वार्ड नंबर 6 निवासी राजेश कुमार पिता दिनेश यादव का नाम शामिल है। इस बात की जानकारी आज मधेपुरा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी है। पत्रकारों से बात करते हुए मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने बताया कि बीती रात मध्यरात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की क्यादत में मधेपुरा टाउन थाना की पुलिस, जिला की बरजा टीम और कमांडो टीम ने मठाही वार्ड नंबर 5 से 15 दिन पहले आर्म्स एक्ट में जेल से जमानत पर रिहा होकर निकले कई गंभीर कांडों में वांटेड अभियुक्त कुख्यात अपराधी पुंजीत यादव उर्फ इंद्रजीत यादव को उसके घर से ही उनके 2 सहयोगी के साथ धर दबोच लिया है। एसपी ने बताया कि तलाशी के दौरान उनके पास से लोडेड 2 पिस्तौल और 9mm की 9 गोली बरामद की गई है और साथ ही पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में सभी के विरुद्ध मधेपुरा टाउन थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस गिरफ्त में आए कुख्यात और सजायाफ्ता अपराधी पुंजीत यादव का पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है। इसके विरुद्ध पूर्व से ही मधेपुरा टाउन थाना में आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिसकी तलाश मधेपुरा पुलिस को पूर्व से ही थी। आखिरकार बीती रात मधेपुरा पुलिस ने पुंजीत यादव को उनके 2 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं एसपी राजेश कुमार ने बताया कि बीते दिन जिले के उदाकृष्णगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत व्यवसायियों के साथ हुई गोलीबारी और लूट की घटना में भी मधेपुरा पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। जल्द ही उस लूटकांड में शामिल अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। मधेपुरा से विनीत कुमार बबलू की रिपोर्ट। लो पिस्टल और कारतूस के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। सर, किस मामले में गिरफ्तारी हुई? एक कुख्यात अपराध कर्मी पूंजी यादव उर्फ इंद्रजीत कुमार पिता उमेश यादव साकिब मठाही के रहने वाले हैं। ये पूर्व में आर्म्स एक्ट के केसेस में और गोली फायरिंग करने के केसेस में सजा याफ्ता भी हैं। वर्तमान में कुछ दिन पूर्व जेल से जमानत पर छूट करके आए थे। आने के पश्चात इनकी गतिविधि के संबंध में हम लोगों को जानकारी मिलनी शुरू हुई, तो हमारे द्वारा जिला में गठित कमांडो टीम और बजरा टीम, जिसका जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देशन में कार्य कर रहा है और साथ में हमारे मधेपुरा थाना अध्यक्ष कल सारा दिन इसके गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए थे। अचानक रात में सूचना मिली कि अपने सहयोगियों के साथ में घर पे है। सूचना पर तुरंत दबिश दिया गया, छापामारी की गई, वहाँ से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और तलाशी के क्रम में इनके पास से 2 पिस्टल मैगजीन सहित और 9mm का जिंदा गोली 9 राउंड और 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ है। किसी अपराध घटना को अंजाम देने की प्लानिंग में ही थे, घटना करने का प्लानिंग ही चल रहा था। इसी के संबंध में हम लोगों को सूचना भी मिल रही थी, तभी हम लोग इन पे नज़र भी रखे हुए थे और कल जा करके आखिरकार हमें इनको गिरफ्तारी करने में हमारी टीम को सफलता मिली। जैसा कि आपने बताया, कुख्यात अपराधी है, पहले किस मामले में? इनका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व से इनके विरुद्ध में 6 कांड दर्ज हैं और जैसा मैं बताया कि ये सजाए याफ्ता भी हैं। कोर्ट में कई केसेस का ट्रायल भी चल रहा है और आर्म्स एक्ट के केस में इन्हें सजावार है। कल जो उदयकिशनगंज थाना अंतर्गत लूट कांड हुई व्यवसायी से, उसमें कोई सफलता मिली? उस कांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है, एक अपराध कर्मी उसमें गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं
और बाकी उसमें संलिप्त सभी की पहचान हो चुकी है। सभी के विरुद्ध में एक टीम बना करके छापामारी करवाई जा रही है। बहुत जल्द सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी। कुछ बरामदगी वगैरह भी हुई क्या? हाँ, बरामदगी हुई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन लोगों का जो था उनके पास से बरामद हुआ है। पैसे वगैरह? और पैसे के अभी बरामदगी उसके पास से नहीं हुई है। पैसे दो व्यक्ति के पास में है, उसके विरुद्ध में पुलिस अपना छापामारी कर रही है। उनके गिरफ्तारी के पश्चात रिकवरी भी हो जाए।